हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं दैट इज़ N1 होंडा की ये गाड़ी है और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जुहेब नियाजी। जुहेब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे जुहेब ये बताएं कि ये इस गाड़ी की क्या स्पेक्स हैं, पहले तो आपसे ये पूछते हैं। ये होंडा की N1 गाड़ी है और 660 cc है। अच्छा, CVT ट्रांसमिशन है, 3 सिलेंडर कार है। और अच्छा, ये जुहेब ये बताएं कि ये जो है ये इंपोर्टेड है, यहाँ पे लोकली असेंबल्ड नहीं होती? नहीं, इंपोर्टेड है जापान। अच्छा, आपकी क्या मोटिवेशन थी इस कार को बाय करने की? आपके पास और क्या ऑप्शंस थे? इसका क्या बजट था उस टाइम पे? असल में तो अभी गाड़ियों के आपको पता है प्राइसेस कितनी ऊपर चली गई। हाँ, ये कौन से ईयर में ली? ये ली तो थी 2020 में। अच्छा, इसकी बड़ी स्टोरी है, 2020 से चलती रहेगी। एक भाई के दोस्त के पास, पहले हमने भाई की, फिर भाई के दोस्त को दे दी। अच्छा, साल उसने चलाई, फिर उससे हमने दोबारा वापस इसको क्या कहते हैं परचेज किया। तो घर की चली हुई है इस तरह से। अच्छा, और अच्छी गाड़ी है फ्यूल के हिसाब से। मेरे ख्याल से हमने देखा फ्यूल कैपेसिटी इसकी ठीक, फ्यूल एवरेज अच्छी थी। तो क्या तो एकदम दोबारा स्टार्ट कर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपको इसकी वो जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी मिली इस गाड़ी में? इसकी मकसद सुनने में दिया था कि काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी ये है कि हमने कैलकुलेट किए 2-3 मरतबा, तो 100 के हम नीचे जाएं, 100 के नीचे, तो ये तब देती है 19-18, वरना ये 14-13-15। अच्छा, विद इन सिटी मतलब कि ठीक देती है? विद इन सिटी ठीक है। अच्छा, लॉन्ग पे नहीं इतना ज़्यादा? लॉन्ग पे इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 660 है ना इसीलिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अच्छा, अंदर से इंटीरियर जो इसका है वो तो लोडेड लगता है, मतलब कि इसकी मॉडर्न स्क्रीन फीचर्स वाइज तो काफ़ी ये गाड़ी बेहतर गाड़ी है, मकसद इस ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं नियाजी साहब कि ये लेने की मोटिवेशन क्या थी? आपने कहा कि आपने ली और एक दोस्त को दे दी, आपके भाई ने ली, ठीक है, लेकिन ये गाड़ी लेने की क्या मोटिवेशन थी? और फिर भी अगर ये चलनी थी कोटद्दू में चलनी थी, तो यहाँ पे तो रोड क्या आपको पता है कि किस तरह की सिचुएशन होती है? तो ये जनरली जापानीज एक कार है, और चलो इस्लामाबाद में तो गुजारा कर जाती है, ठीक है, चलने में, लेकिन यहाँ पे ये कैसी चली है? यहाँ पर इसका एक इशू है कि मकसद है थोड़ी नीचे है। अच्छा, तो आपको पता है यहाँ के स्पीड ब्रेकर्स भी बड़े बम्पी से हैं, तो वो उस हिसाब से थोड़ी मकसद है अनकम्फर्टेबल होती है, बंदा मसला होता है, बड़ा मसला होता है, थोड़ा भी नहीं ज़्यादा मसला होता है। आप 2-3 लोग बिठाएंगे ज़्यादा एक्स्ट्रा तो वो नीचे ले गई ये जाके, ठीक है, सही मैंने ग्राउंड। और इसकी ये प्राइस रेंज कितने की ली थी उस टाइम पे? प्राइस रेंज उस टाइम तो मैं हमने ली थी तकरीबन 18 लाख के अराउंड मेरे ख्याल से। अच्छा, फिर ये लेकिन अब जो मार्केट इसको हमने दोबारा किया 28 के अराउंड, 28 लाख की मेरे ख्याल। अब आजकल जो इस प्राइस में आ रही है, इस प्राइस में, ठीक है, वो डिपेंड करता है यूज्ड में। नई का तो अभी पता नहीं, इंपोर्ट सब आपको बंद है मेरे ख्याल से, बाहर की वैसे की हुई उन्होंने, इंपोर्ट तो बंद है। नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें जो इसका हैंडल है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसके उसमें? इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग है बेसिकली। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ जी, तो इसमें बस ये मोड्स हैं इसके, सोर्स इसके डिस्प्ले के। अच्छा, और ये तो मैं आपको बताया कि आफ्टर मार्केट डला हुआ, तो ये इससे मकसद है सिंक नहीं करता, ये वर्क नहीं करता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें पुश स्टार्ट है, और जो इन्होंने यहाँ पे गियर्स दिए हैं ये आगे डैशबोर्ड में है। हाँ जी, ठीक है। और एसी इसका ठीक वर्क करता है? एसी बेहतरीन, वैसे ओवरऑल अच्छी गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी है, बस ये है कि ग्राउंड क्लीयरेंस नहीं है इतनी इसकी। इसकी जो नेगेटिव वो नेगेटिव जो इसके फीचर है, ठीक है। सिटिंग पोजीशन आपको कैसी लगती है? बेहतरीन है, सोफा सिटिंग है, इसी हिसाब से तो मेरे ख्याल से बहुत कंफर्टेबल है। ये आपको बड़ा हेल्प आउट करता है। हाँ, आपका ये ना आर्म रेस्ट भी हो जाता है, अगर आपने कोई बच्चा बिठाना है तो इसको ऊपर करें और एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, इतनी मतलब जापानीज कार में स्पेस, लेग स्पेस, ओवरऑल लेग रूम बेहतरीन है, उसमें कोई वो नहीं है। बस ये एक इशू है जो मुझे लगा है इसका ना, बस वही आपको सिटिंग में लगा अगर ग्राउंड क्लियरेंस में, ठीक है। हेड स्पेस भी बहुत ज्यादा है, देखें काफी। हाँ, तो और इसकी जो डोर्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक ये हैं, इलेक्ट्रिकल आपको ये इसकी विंडो नीचे होती है, ऊपर होती है, ठीक है, सही है। बैक सीट्स में भी इक्वल स्पेस है, आप देखें ये अच्छा बोला लेग रूम है इनके पास, स्पेस होगी। अच्छा, सही है। और इसके ट्रंक की स्पेस होती है? ट्रंक है या नहीं है इसमें? तो आप सामने है, अच्छी ज़्यादा इतनी नहीं है खास, लेकिन है, मकसद है कि फैमिली के लिए, आपने छोटी फैमिली है तो उसके लिए उसका
सही है, बेहतर है। अच्छा, उस टाइम पे आपके पास और क्या ऑप्शंस थे? कोई और गाड़ियां देखी देखी गई या नहीं, या डायरेक्टली? हमने और गाड़ी देखी नहीं, असल में ये थी पड़ी पहले से ही ना। अच्छा, तो ज़हन में था कि इसको मकसद है कि वापस परचेज कर लेंगे। हमने पहले ही उसको कहा हुआ था कि आप ले रहे हैं तो हम आपसे वापस लेंगे दोबारा एक साल बाद। अच्छा, एक साल बाद लेंगे दोबारा उससे वापस। ठीक है, तो और आपके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो आपने चलाई हैं? गाड़ियां चलाने में तो अच्छी भली चलाई हैं, लेकिन अभी फिलहाल प्रीमियो ठहरी है। अच्छा, ऑल्टो ठहरी है। ठीक है, और वो जीप आपने देखी है? ठीक है, हाँ जी, ऑल्टो देखा जाए तो चलो ऑल्टो इसके उसमें आती है कंपैरिजन में। ऑल्टो और इसमें अगर आप हम कंपैरिजन करें एक जनरल सा, तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है इन दोनों में जो आपको फील हुआ है? मेरे ओपिनियन में इसका और ऑल्टो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है वैसे ना। अच्छा, अगर आप कंपैरिजन करते भी हैं तो जैपनीज ऑल्टो ले आए, वो जो टर्बो है 660 cc। अच्छा, तो वो उसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं, बाकी लोकल जो यहाँ की संभल है उसका कोई इसके साथ कंपैरिजन मेरे हिसाब से नहीं बनता। ये बहुत बेटर है उससे हर मकसद है कि उसमें एस्पेक्ट। अच्छा, बहुत बेटर है। अच्छा, सही है। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो यहाँ पे खड्डे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा है। तो इसका जो सस्पेंशन है इसकी, तो आपको सस्पेंशन इसकी कैसी लगी? सस्पेंशन अब कंपेयर करें हम इसको टोयोटा से, नहीं इसके मुकाबले, इसके की गाड़ी, मुकाबले की गाड़ी में। हाँ, तो सस्पेंशन इसका इतना खास नहीं है। होंडा का आपको पता है वैसे थोड़ा हार्ड होता है सस्पेंशन ना। ठीक है, ज़्यादातर रोड ग्रिप पे फोकस रखती है होंडा अपनी ना। हाँ हाँ हाँ, तो जिस वजह से इसका वो एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, या सस्पेंशन या आपको क्या कहते हैं रोड ग्रिप लेनी है तो आप थोड़ी डाउन करते हो गाड़ी, वो फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा। अच्छा, सही है, अदरवाइज अच्छी है। और पिक इसकी कैसी है, पिक आपको कैसी लगी इसकी? असल में इसमें वेरियंट्स आते हैं, इसमें एक वेरियंट आता है फुल ऑप्शनल है उसका, तो उसमें ना उसमें है क्या कहते हैं टर्बो। अच्छा, 660 टर्बो, तो उसमें तो काफ़ी बेहतर है। इसमें 660 की पिक वैसे ही मकसद है नॉर्मल ही है, इतनी कोई खास नहीं होती है, बिल्कुल वैसी है जिस तरह उनकी होगी ऑल्टो की होगी, जापानीज ऑल्टो की। जापानीज ऑल्टो 660 वाली जो है उसकी नहीं। अच्छा, एक टर्बो में है और एक वैसे है। सही है, तो उसके जो सिंपल वाला है उसका वेरिएंट है उसके साथ वैसी है, बिल्कुल नॉर्मल। सही है, तो अगर इसकी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कितनी कॉस्ट है नॉर्मल जितनी बाकी गाड़ियों की है? जैसे हाँ, जैसा कि एक ऑल्टो की है उतनी कॉस्ट है इसकी, या इसकी ज्यादा होती है? मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पता है होंडा की हमेशा से ही ज्यादा रही है। अच्छा, और हमेशा ज्यादा रहेगी। अच्छा, इसके पार्ट्स भी बहुत एक्सपेंसिव है। इसके पार्ट्स, तो एक अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स का यहां पे क्या सीन है? अवेलेबिलिटी है, वो कोई इशू नहीं है, वो आपको मिल जाएंगे यहां पर। अच्छा, पार्ट्स का कोई इशू नहीं है, बस ये है कि पार्ट्स महंगे काफी ज्यादा है कंपैरिजन, अगर हम कंपेयर करें उनके साथ ना बाकियों के साथ, तो उससे बहुत महंगे पार्ट्स हैं। सही है, तो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपने एक तो बाद में लगवाया? आफ्टर मार्केट। हाँ, ठीक है, और ये जो इसका एसी है ये मैनुअल है? हाँ जी, मतलब कि आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, बाकी कप होल्डर्स हैं साइड पे, स्पेस अच्छी दी है। हाँ, आपको ये देखे ना कप होल्डर्स दिए हैं, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा स्पेस दी हुई है नीचे, यहाँ भी वॉलेट रखने के लिए, यहाँ भी आपके सामने स्पेस अच्छी दी हुई है गाड़ी में, ऐसा कोई इशू नहीं है। सही है, गाड़ी काफी बेहतरीन है मेरे। इसका मीटर भी थोड़ा सा डिजिटली वो बनाया हुआ है इन्होंने, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन है तो उसमें सुई वही है, एनालॉग में है, एनालॉग में है, लेकिन मतलब के वो कलर्स इसके अच्छे हैं। हाँ हाँ, सही। इसके मोड जो है वो एक इको मोड है या एक ही मोड है? या इसमें इको मोड है, बस वो एक ही मोड है इसमें, इको मोड जो दिया हुआ है, बाकी तो स्पोर्ट्स वगैरह कोई मोड नहीं, कुछ नहीं। सही है, तो अच्छा मैं इसकी एक चीज़ देख रहा था जो कि मुझे नहीं पसंद आई। क्या? वो ये थी कि इसकी जो बाहर की शेप है ना बैक साइड से, तो वो थोड़ा सा अजीब सी लगती है। वो ऐसे ही है दिखने में, मैं भी, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं यार ये N1 जो है ना ये तो वो मिस्टर बीन की गाड़ी नहीं होती जो छोटी उस तरह की लगती है, लेकिन अभी आप अंदर बैठ के आप देख लें कितनी ना, स्पेस है। नहीं अंदर तो देखें तो मतलब मैं एक जो ऑल्टो हम बात कर रहे थे जिसकी, उससे तो बहुत अच्छी है, वैगनार के, वैगनार से भी मुझे अच्छी अंदर अपीयरेंटली छोटी लगती है बाहर से, बाकी इस तरह कोई अंदर से तो काफी ज्यादा स्पेस है इसमें उनसे ना। सही है, तो अच्छा इसके आप यू टर्न ले लो, उधर से ले लो, बेशक इधर से ना मुड़ सकते, इधर से मुड़ लो अगर सेफ है तो। कोई इशू नहीं है, सेफ ही है, लेकिन यहां बंपी है रोड थोड़ा सा ना, इधर से चले जाओ वापस। अच्छा, इसके जो साइड मिरर्स हैं वो एडजस्टेबल हैं? हाँ जी, वो
ऑटो हैं सारे। अच्छा ठीक है, और इसमें क्या चीज़ जो है आपको अच्छी लगी? बस ये इकोनॉमिकल कार है, इतनी कोई बुरी भी नहीं है ज़्यादा, मैं इसको वो भी नहीं कहूँगा कि बहुत बेटर है। इसके इस प्राइस ब्रैकेट में और ऑप्शंस भी हैं अगर आप लेना चाहो तो। अच्छा, जिस तरह आप अब देखें, आप अगर फ्यूल एफिशिएंट लेनी है तो आप कल्टस पे चले जाएं। वो बहुत फ्यूल एफिशिएंट है इससे ना। अच्छा, इसकी सिक्योर सेफ्टी वाइज इसमें कितने वो हैं जो इसके वो एयरबैग्स? हाँ, इसमें फिलहाल तो दो हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, बाकी इसमें होते हैं सिक्स होते हैं मेरे ख्याल से इसके दूसरे ऊपर वाले वेरिएंट में। इसमें दो दो इसमें दो हैं, ये जी पैकेज आएगा सर। अच्छा, सही है। नहीं, ये अच्छी बात है फिर भी एयर बैग्स का होना। बिल्ड क्वालिटी वाइज ही आपको बहुत बेटर होगी उनसे, वो तो आपके सामने लोकल। हां, लोकली असेंबल्ड जितनी भी कार्स हैं उनको तो आप जैसे शॉपर की तरह है ना वो। बिल्कुल, यहां भी ये जापानीज है, कोई भी कार आप उठा के ले लें, जापानीज की कोई भी उठा लें। हां, ये तो है। नहीं, बिल्ड क्वालिटी तो इनकी, ये चीप क्वालिटी नहीं होती आपको। हां, डैशबोर्ड से इसके जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है, प्लास्टिक भी एक अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक आपको। हाँ, अच्छा, सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है वो ये है कि इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं तो हैंड रेस्ट दिया हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी है, जरूरी चीज है। हालांकि आपके सामने है को आप 50 55 लाख की गाड़ी लेते हो, आप उसके आपके पास नहीं है। आप कैसे दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के लॉन्ग पे जा रहे हो तो बंदा थक ही जाता है ना, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत हेल्प आउट करता है। हाँ, बिल्कुल। तो अभी आजकल आप लोगों ने नॉर्थ का भी एक ट्रिप लगाया, तो कैसा रहा नॉर्थ का ट्रिप और कौन सी गाड़ियां लेके गए? वो ट्रिप जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो इस गाड़ी का था कि इसको भी लेके जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये खैर गई हुई थी, भाई लेके गए हुए थे। अच्छा, तो फिर हम कल्टस और वो जीप ले गए फोटो और ना। अच्छा, तो कितना कल्टस ने कितनी एवरेज थी और कैसी ही रही आपके सफर में? कल्टस तो बहुत बेहतर रही है ना, उसने तो एवरेज आप समझे कि 18-20 उसकी एवरेज रही है ये। अच्छा, इवन स्टीप पे भी? स्टीप पे भी तकरीबन। अच्छा, ठीक है। स्टीप पे इतनी नहीं होगी, स्टीप पे 15-16 आ गई है, लेकिन अच्छी थी। ओवरऑल हमने कैलकुलेट किया ना तो हमारा वो उस हिसाब से जो हम बजट डिसाइड करके गए थे ना। ठीक है, तो उस पे पोटवार ने तो सही हमें सही दलील किया, उसने तो इस्लामाबाद तक हमारा 30,000 का डीजल ले गई थी ना। अच्छा, वो बड़ा, हाँ वो तो डिस्टर्ब कर दिया। सही है, तो चलें इसके एक्सटीरियर का हम रिव्यू करते हैं। बाकी इसमें जो ब्रेक है, जो हैंड ब्रेक है, वो नीचे इन्होंने दी हुई है। नीचे ही बिल्कुल साथ दी हुई। हाँ, ठीक है। और रेस और ब्रेक वो तो उधर ही हैं, बाकी ठीक है, अच्छी जगह पे हैं। ब्रेक्स कोई इशू? ब्रेक्स तो आप पता होंडा की बड़ी जबरदस्त ब्रेक्स होती हैं, तो जापानीज मॉडल है, थोड़ा सा आपको और बेटर हो जाएगा ना आपके लिए। बिल्कुल, ये भी है। तो ब्रेक्स में हुआ है, और उस तरह से सेफ्टी वाइज भी यहाँ पे सिक्योर होती हैं कि हाँ, क्योंकि इसका लॉकिंग सिस्टम बेहतर है। हाँ, तो अच्छा नियाजी भाई, जो इसकी ग्रिल है, ग्रिल देखें तो इन्होंने यहाँ पे क्रोम दिया हुआ है, सिंपल सा एक क्रोम है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बाकी लाइंस है इसमें, रेडिएटर भी आ गए है ना। हाँ जी, रेडिएटर, लेकिन स्पेस इन्होंने काफी दी हुई है, स्पेस दी हुई है रेडिएटर में, और इसमें और तो कोई चीज नहीं है। लेकिन मैम, इसकी जो ये आपको शेप जो है वो किसी से इंस्पायर्ड लगती है? वही मैं आपको बता रहा था ना। हाँ, कि इसकी शेप जो है वो आपको लगता है ऐसे कि वो जो मिस्टर बीन की कार होती थी ना वो। हाँ, उसका क्या नाम है, मिनी कूपर नहीं थी वो, कोई वो भी ब्रिटिश कार है कोई। अच्छा, मे बी मिनी कूपर होगी उसका पुराना, ओल्ड मॉडल होगा। बीटल तो फॉक्सी है ना, वो और है, तो मकसद है उससे मुझे लगता है इंस्पायर होगी उन्होंने शेप डिजाइन की है। लेकिन आगे से तो शेप इसकी अच्छी लगती है, मतलब नॉट बैड देन जो वैगन आर है या ऑल्टो है, उससे तो बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, उन मैंने आपको बताया उसका, इसका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते किसी भी लिहाज में, चाहे आप क्वालिटी देख लें। लाइट्स हैं इसमें कौन से? टू लैंप्स, हैलोजन लैंप्स हैं। ये हैलोजन्स लगे हैं आपके सामने और ये DRL लगी हुई है। आपको व्यू इसका नाइट व्यू ठीक मिलता है, बेहतरीन, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, इसकी हम साइड प्रोफाइल पे आए हैं, तो इसकी साइड प्रोफाइल यहाँ भी इन्होंने थोड़ा सा बिल्कुल ऐसी क्रोम का थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे देखे टच दिया हुआ है। हाँ, क्रोम है, नीचे भी डोर में यहाँ पर भी दिया हुआ है, हैंडल में भी, हैंडल में भी है। हाँ, क्रोम का अलॉय रिम्स का। कितने इंच के हैं ये अलॉय रिम्स? ये आई गेस 15 इंच है मेरे ख्याल से, 15 इंच के अलॉय रिम्स हैं। 15 इंच टायर है मेरी आई गेस, सही है, 14-15 का होता है ना इसमें, 14 इंच होगा आई गेस। अच्छा,
लेकिन मतलब इसमें भी अलॉय रिम्स देना भी बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही आप देख लें, इस कार में इन्होंने अलॉय रिम्स, फिर इसमें इन्होंने क्या कहते हैं साइड मिरर्स में वो दिया हुआ है इंडिकेटर्स, इसमें इन्होंने जो शार्क फिन एंटेना दिया हुआ है वो नॉन कन्वेंशनल है, बड़ा बड़ा सा दिख करके दिया हुआ है ना, सही बात। लेकिन अब बैक प्रोफाइल जो कि मेरा शुरू से इसका रे रहा है कि बैक प्रोफाइल इनकी, लेकिन आप फिर भी देखिए वैगनआर से कंपेयर करें तो उससे तो प्यारी है ना, वो तो आपको बस की तरह शेप देगी ना बिल्कुल। हाँ ये है, लेकिन लाइट्स बड़ी प्यारी हैं इसकी, लाइट्स जो बैक लाइट है, लाइट्स प्यारी तो है, अगर ब्रेकिंग ब्रेकिंग भी इसके अंदर ही है, ब्रेक हाँ ब्रेकिंग भी इसके अंदर ही है, ठीक है। और इसमें जो वो है इंडिकेटर वाला कौन सा लैंप है, नीचे 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 ये वाला, अच्छा ये इंडिकेटर येलो लैंप है, येलो लैंप ठीक है। और पीछे इन्होंने मिरर भी दिया, वो भी दिया हुआ, सॉरी कैमरा कैमरा दिया, बैक कैमरा दिया हुआ, बिल्कुल दिया। और सेंसर्स हैं इसके, सेंसर इसमें काफ़ी सारे हैं, मकसद है कि आपको बताती है अगर इस, आपका अच्छा एक पार्किंग सेंसर्स हैं इसमें, पार्किंग सेंसर्स नहीं, पार्किंग सेंसर नहीं, लेकिन चल ठीक है, ओवरऑल बेटर है आपके सामने। और कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें? हाँ एक एक और चीज़ ये भी है, इन्होंने वाइपर पीछे भी दिया, वाइपर दिया हुआ है साथ उसके, वो भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं कैमरा, ये पानी के लिए, अच्छा 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 ठीक है, शॉवर है, शॉवर है। अच्छा इसका ये यूज़फुल होता है इसका जो, बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, काफ़ी यूज़फुल है ये, बेहतर पीछे के लिए आपके सामने है, आपको बैक व्यू देने के लिए, बैक व्यू देने के लिए ठीक है। चले अच्छा मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि ये जो इसका पीछे वाला जो मिरर होता है ना, जो आपका ड्राइवर वाला होता है, हाँ जी, लोग वो नहीं यूज़ करते, आप यूज़ करते हैं कि नहीं? कम ही करते हैं असल में, आपके सामने बैक कैमराज लगे हुए हैं। नहीं उसके लिए नहीं, जब ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी चलते हुए पीछे का व्यू लेने के लिए, कि कोई गाड़ी वगैरह आपको पीछे कोई चीज़ है या नहीं है, या नहीं आप मिरर्स को प्रेफर करते हैं? मिरर्स प्रेफर करता हूँ मैं तो पर्सनली, मैं ज़्यादा मिरर्स को देखता हूँ, कभी कभार मकसद देखना हो तो शहर में देख लिया आपने उससे, अच्छा बाकी साइड मिरर्स हैं इससे ही होता है। सही है, चलें थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ज़ुहेब, बहुत अच्छा लगा, और आपकी यूनिक कार है, होपफुली विल गेट गुड रिव्यूज़ इंशाल्लाह।